हेलो गुड इवनिंग। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ नाइट्रोजन लीक टेस्ट का, एक रिक्वेस्ट पे ही बना रहा हूँ। एक कमेंट आया था कि सर इस पे वीडियो बनाओ, तो आपको दिख रहा है कि ये वीआरबी यूनिट है और रेफ्रिजरेंट पाइपिंग किया गया है। बहुत सारे ये जो दिख रहा है इन आउटडोर यूनिट से निकलने के बाद में बीसी में आया है। ब्रांच कंट्रोलर है, अलग अलग जो कैसेट्स यूनिट है या इंडोर यूनिट है वहाँ तक रेफ्रिजरेंट जा रहा है। ये आउटडोर यूनिट दिखाया गया और एक्चुअल पाइपिंग है। टेस्टिंग मीडिया मस्ट बी ड्राई नाइट्रोजन, परफॉर्म लीक टेस्ट बिफोर इंस्टॉलेशंस, और अगर कोई लीकेज आता है तो प्रेशराइजेशन आप यूनिट की है उसको निकालने के बाद करें। और ये जो टेस्टिंग होगा 24 घंटे के लिए होगा, ठीक है। तो ये देखिए आउटडोर यूनिट है हमारा और ये हमारा रेफ्रिजरेंट पाइपिंग है। हम जो टेस्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन ड्राई नाइट्रोजन लीक टेस्ट, एक लूप होता है और ऐसे ही लूप आप दिख रहे हैं आउटडोर यूनिट से इंडोर तक का। तो जब हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं उस टाइम में लीकेज आ सकता है क्योंकि ब्रेजिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उसमें गैस चार्जिंग करने से पहले हम लोग लीक टेस्ट करते हैं और दूसरा वैक्यूमिंग करने के बाद चार्जिंग करते हैं। तो इंडोर यूनिट में दिखाया हूँ कि ये तो रिसर्कुलेशन एयर है, लेकिन एक फ्रेश एयर का डक्ट अंदर में लाया हूँ क्योंकि ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब ये देखो ये हमारे वीआरएफ के यूनिट है। जो आउटडोर यूनिट बाहर में रखा गया है डाउन में, ये ऑप्शनल है, ठीक है। आप चाहे तो टेरेस पर रखो, ऊपर में रखो या नीचे में रखो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डिज़ाइन, हाउ कंसल्टेंट डिज़ाइन इज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड द स्पेसिफिक एरिया रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऊपर फ्रेश एयर यूनिट जो दिखाया वो दिखा रखा हूँ और ठीक है। तो ये देखिए आउटडोर यूनिट जो टॉप में रखा गया है, दिख रहे हैं ना, तो सेंटर में दिखाऊँ। चलिए ये हमारा आउटडोर यूनिट है। तो कई तरह का है, ये आउटडोर यूनिट है जो मल्टीपल इंडोर यूनिट को कनेक्ट करेगा, एक छोटा वाला है जो सिर्फ एक या दो करेगा। अब इंडोर यूनिट की बात करते हैं। टेस्ट तो बहुत इजी चीज़ है, वो बता दूंगा लास्ट में। तो कई तरह का यूनिट है, जैसे कि डक्टलेस और डक्टेबल, दो तरह का होता है। ये डक्टलेस है, वॉल हंग टाइप का है जो नॉर्मली ऑफिस में हर जगह यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं। नीचे वाला देखिए कंसील टाइप का, सीलिंग टाइप का, ये क्या करते हैं रूफ़ में ऊपर में टांग देते हैं। और जो हम लोग सीलिंग करते हैं ना, ड्रॉप सीलिंग, एक तो स्लैब होता है दूसरे में फॉल सीलिंग, तो उसके साथ इसको करके हम लोग करते हैं। ये इसका टनेज अलग है। तो हमारा जो वीआरबी यूनिट है, हमारी जो कंपनी है वो वीआरएफ का, डाइकिन का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। हम लोग 500 टन तक खुद डिज़ाइन करके इंस्टॉल करते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो कॉन्टैक्ट करिएगा, मेल करिएगा मुझे। ये हमारा डक्टेबल इंडोर यूनिट है, ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, अलग अलग तरह के अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज़ का सिलेक्शन करते हैं और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग सिलेक्शन करते हैं। क्या रिक्वायरमेंट ऑफिस है, कॉलेज है, तो उसके हिसाब से हम लोग सब सिलेक्शन करते हैं। तो अब देखिए कि हम लोग जो चार्जिंग करेंगे, चार्जिंग करने से पहले हमने दिखाया है कि किस तरह से जो लाइन है, लाइन में गैस को चार्ज करते हैं। तो लीक टेस्ट पहले ज़रूरी है। हमारे सारे इंडोर यूनिट है, बीसी दिखाया था, और वो मेन इंडोर आउटडोर यूनिट है। तो वहाँ से जो रेफ्रिजरेशन पाइपिंग करेंगे, एक होता है आपका सक्शन लाइन होता है, एक डिस्चार्ज लाइन होता है, तो अलग अलग पाइपिंग होता है। तो उसमें हम लोग गैस चार्जिंग करते हैं, तो लीक का पता होना चाहिए कि उसमें लीकेज तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया कि आउटडोर यूनिट है और गैस चार्जिंग कर रहे हैं। तो स्टेप्स बिफोर गैस चार्जिंग हम लोग क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं कि किसी तरह का लीकेज तो नहीं है लाइन में, सिस्टम में, रेफ्रिजरेशन पाइपिंग में। और दूसरा क्या, वैक्यूमिंग करते हैं। वैक्यूमिंग के अंदर का जो मॉइस्चर गैस होगा बाहर निकालने के बाद में ही गैस चार्जिंग करना है। तो अभी ये मैंने 410 दिखाया, 410 दिखाया हुआ। नॉर्मली ये गैस यूज होता है वीआरबी में, डाइकिन के लिए स्पेशली, या एलजी का वो भी यही यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि इसका सक्शन प्रेशर कितना होता है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है और स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, क्योंकि ये हमें मालूम होगा उसके हिसाब से, तो पता चलेगा ना कि हमारा जो रेफ्रिजरेशन लाइन है उसमें कितना प्रेशर से हम लोग टेस्ट करेंगे। एक्चुअली ये डिपेंड करता है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे भी, बट ओके वेट, लिखा है कि लीक टेस्ट रिक्वायर्ड बिफोर गैस चार्जिंग। तो ये देखिए हमने जो गैस यूज किया है, देखिए नीचे में ये सबसे नीचे से ऊपर 410A यूज़ किया। बहुत सारे R22 है, 130 है, 600A है, R32 है। तो हमें क्या क्या देखना है, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर क्या है, क्योंकि जब हम लोग
सिस्टम रन करते हैं तो उस टाइम में 14A का जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो 450 से 500 PSI के बीच होता है, और जो स्टैंडिंग होता है वो 225 होता है, और जो सक्शन होता है वो 120 से 130 PSI होता है। कभी कभी पूछा भी जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ये गैस का जो सिलेंडर का कलर होता है पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रही बात, ये दिखाया 120 से 30 हो गया, ये क्या चीज़, सक्शन हो गया, डिस्चार्ज। अच्छा, जब हम लोग गैस चार्जिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि गैस चार्ज करेंगे तो आउटडोर के यूनिट में हमारा जो प्रेशर है वो सक्शन पे और डिस्चार्ज पे इतना हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ चलो गैस भर गया। लेकिन नहीं, जो हमारा गैस का पाइपिंग, रेफ्रिजरेंट का पाइपिंग होता है ना, 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर, 250 मीटर लेंथ होता है। तो हमारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे कि डाइकिन है, LG है, तो उनसे मिलता है कि वो लोग कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम लोग पाइप रन कर सकते हैं इनडोर टू आउटडोर यूनिट, तो वो डिज़ाइन पार्ट होगा। लेकिन हम लोग देखो गैस चार्जिंग करेंगे एडिशनल, वो कैसे करेंगे, एक तो 19 mm का हमारा रेफ्रिजरेंट पाइपिंग है और एक 25 mm का, उसके बाद ब्रांच है हमारा अलग अलग है, जैसे कि 3/4 का है, 5/16 का है, जो भी हो। तो देखो वो 24 मीटर का है 19 वाला, 19 मिली वाला, और बीच 25 वाला 21 है, दोनों को ऐड कर दिए तो 6 48 और 10 92 मिलके 17.4 हो गया। तो हम लोग जो गैस चार्जिंग करेंगे वो इतना एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हम लोग रेफ्रिजरेशन पाइपिंग का मतलब कहाँ से कहाँ तक का करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा ना, कि हमने इंडोर यूनिट को लिया, इतना इंडोर यूनिट है, नंबर ऑफ इंडोर यूनिट, नंबर ऑफ आउटडोर यूनिट, जैसे कि यहाँ पे एक आउटडोर यूनिट है, दूसरा वो है, एक पे लिखा है N, दूसरा पे N+1, थोड़ा अलग चीज़ है क्योंकि डेटा सेंटर के केस में है, तो मैं आपको बताऊँगा रिडंडेंसी क्या है। खैर वो छोड़ी, आउटडोर यूनिट दिखाया, अब वो देखो नीचे में इंडोर यूनिट है, एक आउटडोर यूनिट से बहुत सारा इंडोर यूनिट है, लेकिन ये काम फेज वाइज हो रहा है, इसलिए हमने जो टेस्टिंग किया था वो सिर्फ 2 FCU का, देखो FCU 3.21 है और 3.22 है कि नहीं, ये दिखा रहा हूँ ना, देखो FCU 3 ये वाला जो अभी देखो वहाँ से दिखाया, अभी मैं लेके आऊँगा लाइनिंग आपको दिखाऊँगा, ये देखो आउटडोर यूनिट से चार्जिंग हुआ यहाँ पे आया, ठीक है। एक दूसरा आउटडोर यूनिट से, अलग अलग आउटडोर यूनिट से अलग अलग यूनिट इसलिए लिए क्योंकि अगर एक आउटडोर यूनिट ख़राब होता है तो दूसरा आउटडोर यूनिट से एक FCU चलेगा, कौन सा, एक रूम में, ऐसा नहीं कि दोनों बंद हो जाएगा, इसलिए अलग दो दो आउटडोर यूनिट से धो लिए। अब गैस चार्जिंग करने के लिए कुछ है स्टेप्स जो बताऊँगा। जो नाइट्रोजन सिलेंडर होता है उसमें 3000 से ऊपर PSI गैसेस होता है, तो उसमें हम लोग रिलीफ वाल लगा देते हैं क्योंकि हमें जो गैस चार्जिंग करना है वो तो 520 PSI तक करना है पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ये हमारा मैनिफोल्ड गेज हो गया, वो नाइट्रोजन सिलेंडर आपको दिखाया, वो NT लिखा हुआ नाइट्रोजन सिलेंडर है। तो देखो अभी हम लोग गैस जब चार्जिंग करते हैं तो पूछा जाता है कितना प्रेशर रखना है, तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था 520 PSI, और होल्डिंग आवर्स मतलब गैस को कितना देर तक रखे, तो हम लोगों ने रखा था 24 आवर्स, कितना आवर्स, 24 आवर्स, देखो 550 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट उतना नहीं था, 424 आवर्स हम लोग होल्ड करेंगे, ठीक है, लिखा हुआ 550 वाला, तो हमने 520 ही PSI रखा क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है एकॉम है, एकॉम ने डिज़ाइन किया था, कंसल्टेंट वही है और क्लाइंट तो हमारा अमेजोन है, तो उसने बोला था 520 PSI चाहिए क्योंकि उनका एक मास्टर शेड्यूल होता है जो ऑलरेडी पहले कमिशनिंग में क्या क्या करना है, किसके लिए कितना रखना है, कौन सा प्रेशर कितना रखना है। एक्चुअली में 1.5 times से कम नहीं रखते हैं। देखो हमने जो प्रेशर रखा था, दिख रहा है आपको, मैंने जूम किया है साइड पे, उस टाइम वीडियो बनाया था तो इमेज नहीं लिया था, फिर लिया देखा तो मिला 500 से ज़्यादा है, 520 से भी ज़्यादा है, बट उनका था 500 PSI मिनिमम, ठीक है। मैंने 520 PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, देखो मैंने अभी उसको हाईलाइट किया, तो ये हमारा चार्जिंग के बाद 24 घंटा हो गया, फिर बाद में हमने उसको वैक्यूमिंग किया क्योंकि जब नाइट्रोजन गैस रहेगा तो उसको निकालना पड़ेगा ना, तो अब गैस निकालोगे तो उसमें से जो भी होगा मॉइस्चर वगैरह वो सब बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसको हम वैक्यूमिंग करते हैं, कितना तक, 500 से नीचे होना चाहिए, तो हमने जो किया था वो देखो 540 माइक्रोन है, वो एक्सेप्ट नहीं किया, फिर कम किया, तो अभी जब हम लोगों ने करने के बाद में टेस्ट रिपोर्ट बनाया। जब आप साइट पे काम करोगे तो ही नॉलेज होगा क्या क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखो टेस्टिंग मैंने किया था, 2 FCU था और एक हमारा आउटडोर डेट ऑफ प्रेशराइजेशन 5/5 मैंने किया था, 25/5/21 को, और इनिशियल रीडिंग 520 था और प्रेशर एक टेस्टिंग रिपोर्ट है, यानी कि जब हम लोग गैस चार्जिंग किया था ड्राई नाइट्रो 520 PSI रखा था, होल्डिंग आवर्स आपको मैंने दिखा दिया था कि 24 घंटा रखना है, उसके बाद में क्लाइंट से विटनेस कराएंगे, WIR बनाते हैं, वर्किंग
इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, जो वर्क हमने किया उसके लिए इंस्पेक्शन डालते हैं। देखो अब वैक्यूमिंग जरूरी है, वैक्यूमिंग नहीं करेंगे तो उसके अंदर में गैस रह जाएगा ना, तो गैस अंदर में रहेगा तो फिर जो गैस चार्जिंग करेंगे उसके साथ रिएक्शन करेगा, इसलिए पूरी गैस को निकाल देते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी के लिए। तो देखो वैक्यूमिंग अचीव्ड हमने किया था 478, 520 था ना बाद में कम होकर, वो आपको विटनेस कराना होगा। तो लास्ट में मैंने 400 से नीचे, देखो ले वैक्यूमिंग शुड बी लेस देन 500 माइक्रोन, ये पूछा भी जाता है, आपको पता होना चाहिए, आप इंजीनियर है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके रिगार्डिंग और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछो। अगर इसका डिटेल्स चाहिए, ड्राइंग चाहिए, इफ़ यू नीड एनी डेटास आई विल प्रोवाइड यू, इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हमारे साइट का फ़ोटो चाहिए, ड्राइंग चाहिए, या कोई रिपोर्ट चाहिए, तो मैं बना के दूंगा, फॉर्मेट दूंगा।